गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग के 7 बजे से, और अभी हम लोग बैठे हैं चाय पीने के लिए। चाय आज है कुछ खास, मैं तो घर पे ही हूँ बट ये लोग जा रहे हैं, तो आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ। ये है मम्मी जी, यहाँ पर बना रहे हैं चने। ये भी जा रहे हैं कहीं इधर तरफ है। यहाँ पर चने बनाए जा रहे हैं, और ये है सिवैया, और इसको भी बनाऊंगी अभी मैं। लोग जाने लग गए हैं, आज जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप बताएं? भिटोली जा रहे हैं हम लोग। हल्दू चौड़ जा रहे हैं भिटोली देने के लिए। और कुछ ऐसे देखा है ये। बाय बाय। और साथ में आज क्या है, अंकिता का बर्थडे भी है। बर्थडे भी है, इसलिए जा रहे हैं, नहीं तो कल जाते। चलो फिर, बाय बाय। बाय करो डैडी को। बाय। तो चले गए हैं कुसु के डैडी और दादी रिंकी के यहाँ गए हैं। रिंकी मेरी ननद है, वो लोग रहते हैं हल्दू चौड़ में, और उनके साथ ही आजकल अंकिता भी रह रही है। तो भिटोली देने गए हैं, साथ में अंकिता का बर्थडे भी है, सेलिब्रेट करेंगे। अब हम दोनों माँ बेटे अकेले हैं घर में, है ना। शाम को आ जाएंगे, पल हम शाम को आ जाएंगे, फिर हम शाम को डैडी भी आ जाएंगे, शायद दादी भी आ जाएगी। देखो क्या होता है, दादी का भी रुक सकते हैं, और डैडी तो आ ही जाएंगे इसके। तो बाकी आगे का जो व्लॉग है वो लोग बनाएंगे, वहां से जो भी सफर रहेगा आज का वो लोग आगे को आपको दिखाएंगे। ये हम पहुंच गए हैं बिट्टू के आवास में। ये है बिट्टू किचन में, किचन में हो रही कुकिंग। हाँ भाई, नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते, खुश रहो। ठीक हो? ठीक है, ठीक है। इसकी हो रही पढ़ाई। चप्पल भी लग गई। ये गुनीत, हाय। हाय। दीदी पानी पिला रही पापा को। वाव दीदी। ये बैठी है दीदी। कोल्डिंग पार्टी दीदी, इधर देखो। ये पीले थोड़ा दिखा रही केक, और मैं भी केक खा रहा हूँ। तो हाँ
ओए होए चुंदी तेरी चमकी रे गुलाबी शरारा। शर्ट भी नहीं आंदी, पैंट भी नहीं फसती। शर्ट भी नहीं आंदी, पैंट भी नहीं फसती। मोटा कितना हो गया तू, मोटा कितना हो गया। ये आइसक्रीम ला गए हैं हमारे लिए। लो भाई दीदी आइसक्रीम खाओ। वाव दीदी फेवरेट है। नानी को भी बुलाओ। वाव दीदी हम भी आइसक्रीम खा रहे हैं भाई। दीदी दिखाओ, दीदी आइसक्रीम दिखाओ। ओ वाव दीदी नानी के लिए चेयर ला गई। बाबू आप उसमें बैठो, मासी के साथ अपनी चेयर लेके आओ, थोड़ी देर बैठो। सो अभी मैं छत में आई हुई हूँ कपड़े डालने के लिए। दिन के 2 बज चुके हैं। कुसु और मैं अकेले थे और उसने मुझे कुछ भी काम नहीं करने दिया। वैसे तो काम हो चुके थे लेकिन थोड़ा नहाना, कपड़े धोना, बर्तन वगैरह बचे थे तो वो काम उसने करने ही नहीं दिया, मुझे छोड़ा ही नहीं उसने। और दिन वो टीवी देखता है तो हम लोग काम भी कर लेते हैं, बट आज उसने कुछ भी नहीं करने दिया। तो अभी 1 बजे सोया, उसके बाद जाके मैंने नहाना धोना किया और खाना भी बना लिया है। अभी मैं कपड़े डालने के लिए आई हूँ और हस्बैंड जी लोग वहाँ गए हैं रिंकी लोगों के यहाँ विटोली देने, बर्थडे भी है वहाँ तो उन लोगों का भी शायद खाना चल रहा होगा। तो हम लोग मैं कपड़े जल्दी से डाल के फिर जाके नीचे जाती हूँ, क्योंकि सुबह उठ सकता है। तो जल्दी जल्दी कपड़े डाल लेती हूँ फिर खाना भी खाते हैं। मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं और हवा इतनी ज़रा तेज चल रही है, बाप रे मेरे बाल उड़ के ऐसे हो गए। और कपड़े जितना डाल रही उतना उड़ जा रहे हैं, चिमटियों से भी अड़क नहीं रहे, आपस में चिपक जा रहे हैं, बहुत तेज हवा चल रही है। बच चुके हैं अभी दिन के 3 और हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और कुसु भी उठ गया है। कुसु उठने के बाद यहाँ पे खेल रहा है, ये ऐसे खेल। आ जाओ कुसु, ये इतने सारे खिलौने पकड़े हैं उसने, अब वहां जाने क्यों बैठ रहा है? क्या कर रहे हो बाबू यहाँ? इतने सारे खिलौने फैला रखे हैं इसने, अपनी कार है। उठ गए, नीनू भूली होगी ना आपकी। कुसु आप ऐसे गाना गाते हो ना, मम्मा मुझको प्यारी है, मुझको दूध पिलाती है, मेरा ध्यान रखती है। सो हम लोग अभी छत में आए हैं, शाम के 5 बज चुके हैं। इनको बहुत परेशानी हो रही थी इसलिए छत में घूमने के लिए आए हैं। बिंदी निकालो, नहीं निकालो बिंदी। बिंदी क्यों निकालते हो मम्मा की? बिंदी निकालते हैं ठीक है। तो इनकी छतानिया मिट्टी दिख गई होगी ना आपको, नीचे मिट्टी दिखी आपको, नीचे मिट्टी। या उठो, भागो, दौड़ लगाओ। वेरी गुड, या ये ये। रेडी हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं। कौन ये लोग छोड़ने आ रहे हैं हमें, बिट्टे को यहीं से बाय बोल देते हैं। ओ वाव दीदी ने मैजिक कर दिया। ये क्रीम है क्या? हाँ। बुड्ढो लगा लगाने वाला है क्या? यहाँ यहाँ कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं? ओ वाव दीदी ठीक है, ध्यान रखना खाना। जाओ हम जाने लग गए, आ जाओ। चलो ठीक है भाई, नमस्ते। ठीक है ठीक है, ध्यान रखना, ख्याल रखना अम्मा। चल जाते हैं, बाय दीदी। नीचे पहुंचाने के लिए बाय बोलो। बाय आप तो आ रहे हो।
छोड़ने आ रही हूँ। बहुत सारी चिड़ियाँ है ना, बहुत ही सारी चिड़ियाँ, जल्दी आना बोलो, जल्दी आना। हाँ दीदी, ये रही गाड़ी। अभी मैं कुसु को गाड़ी में घुमाने लग गई हूँ। ये देखिए, ये नीचे बैठ के ना मिट्टी खा दे रहा था और अच्छे से चल नहीं रहा था। मैंने सोचा गाड़ी में चला देती हूँ इसको थोड़ी देर। अभी रिलैक्स होके बैठा है और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है तेज तेज। अभी थोड़ा सा रुकी हुई है, वैसे बहुत हवा चल रही है। और हल्द्वानी में अब गर्मी बहुत होने लगी है, अब हम लोगों को गर्मी वाले पतले कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ी है। हम सब ने पतले कपड़े पहन रखे हैं, कुसु को भी पतले पहनाती हूँ मैं, लेकिन जब छत में आते हैं तो शाम के टाइम पे हवा चली रहती है बहुत तेज तेज, तो इस वजह से उसको ठंडा ना लग जाए, क्योंकि उसकी अभी सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुई है। इसी वजह से उसको हम लोग गर्म कपड़े पहना लेती हूँ, स्वेटर वगैरह पहना लेती हूँ ताकि उसको ठंड ना लगे, क्योंकि छत में तो हवा काफ़ी चलती है ना। 6 बजने को है और हस्बैंड जी लोग अभी तक नहीं आए हैं, अभी पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, बहुत लेट कर दिया उन्होंने। वैसे तो आजकल बड़े दिन हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी जब तक घर नहीं पहुँचते हैं तब तक चिंता ही लगी रहती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग से। कल शाम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, 7 बजे पहुँच गए थे हस्बैंड जी लोग। उन लोगों का सफ़र भी अच्छा रहा और अच्छे से पहुँच भी गए थे टाइम से। तो ब्लॉग की एंडिंग भी कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।